हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे, ठीक है। इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो है इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। और उसे मैंने सिंटेक्स बताया था और उसका डेफिनेशन बताया था, ऑब्जेक्ट का भी बताया था और क्लास का भी बताया था। और ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होते हैं उस मैंने पूरे ढंग से बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो कोई बात नहीं, आप वो जो है देख कर आना। अगर नहीं देखा तो देख कर आइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है आज क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। आपको मैं प्रोग्राम के जरिए यानी प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको हर कंसेप्ट जो आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट है इसका मैं कर दूँगा। आपको जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो आपका है मैंने बता चुका हूँ। क्लास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, मैंने आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ बट इसके बाद बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज़ का होता है, डेटा मेंबर, है ना, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन राइट, मेंबर फंक्शन का होता है, ठीक है, आप जानते हो। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट होता है ब्लूप्रिंट या इंस्टेंस कह लीजिए, इंस्टेंस, है ना, इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या हमारा है कि इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और क्लास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो डेटा मेंबर्स जो होती हैं उसे, मतलब जो अपने सी में जब आप पढ़े होंगे तो क्या कहते हैं, इसे वेरिएबल कहते हैं, राइट, इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जो आपको मेंबर फंक्शन है इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे मेथड कहते हैं, है ना, मेथड्स, ओके, एक और नाम से जाना जाता है मेथड कहते हैं। तो ये आपको जो है इतने पता होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो आपका है उप्स जो है ना, आपका उप्स, है ना, जो आपका उप्स है इसका एक कंसेप्ट है। उप्स कितने हैं, चार कंसेप्ट, पांच कंसेप्ट हैं, है ना, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। उसका दी इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, ओके, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद फिर हमारा आता है फाइल हैंडलिंग, सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हैंडलिंग, है ना, सब कुछ इसमें ही आता है। तो देखिए, आपको जब पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा, इनहेरिटेंस बताऊंगा, तो मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो थ्रू है सब मैं बता दूंगा। तो ये जो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट अभी चल रहा है, इसका जो प्रीवियस लेक्चर मैंने जो है इंट्रोडक्शन दिया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, और इसमें मैंने आपको जो ब्रीफ में बता दिया क्या होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए जो है हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए। आपको कम से कम 5-10 प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको जो है कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम होगा ना वो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो आपने जो है सी में पढ़ा होगा और कोई भी नॉर्मल पर्सन भी जानता है इसे, ठीक है। मैं आपको जो कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक है, तो आप जो है अब देख लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, क्या आपको जो प्रोग्राम क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर, है ना, क्या आपका है, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, टू नंबर, यानी दो नंबर लेने हैं यूजर से, और उसके बाद आपको जो है ऐड करके सिंपली प्रिंट कर देना है। किसके थ्रू, हमें जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसा हमें करना है, ठीक है। तो हमें जो है ये काम करने हैं, तो मैं जो बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको करना है। तो मैं आपको जो है पहले नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। मैं इधर जो है क्लास कर दूंगा और इधर नॉर्मल चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए, जब आप इसमें एक लाइन खींच दे रहा हूँ, नॉर्मल आप कैसे करते हो मैं वो बता दे रहा हूँ। पहले आपने सी में ही पढ़ा होगा, और मैं अगर सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें बता देता हूँ आपको, हैज इनक्लूड स्टीडियो डॉट एच, इधर स्टीडियो डॉट एच मैंने सी का पढ़ने लगा, मैं जो है आईओ स्ट्रीम डॉट एच लगा देता हूँ, iostream.h, जब टर्बो सी में करेंगे तो डॉट एच चलेगा, हैज़
इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं जब जैसे नॉर्मल प्रोग्राम जो हम लोग बनाते थे उस तरह हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इंट में लिख लेता हूँ, इंट मेन। ठीक है, इंट मेन लिखा मैंने, अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, क्या इंट ए एंड बी ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट इंटर टू नंबर, ना इंटर टू नंबर। ओके, जब आप डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में अगर जो भी सेंटेंस आप लिखते हो तो वो आपके स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, आपको जो है एक मैसेज आती है कि जो है इंटर टू नंबर, तो आप इस नंबर को जो है क्या करना है, स्कैन ऑफ कर लेना है, सीन कर लेना है, उसको जो है रिसीव कर लेना है। ओके, तो आपने जो है दोनों को जो है रिसीव कर लिया है ना। अब मुझे क्या है, अब उनको जो है कुछ ना कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर का। ये मैं आपको बता रहा हूँ सी प्लस का जो है नॉर्मल, जो आपको नॉर्मल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो है सी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कैसे बनाते हैं, आपको जो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए करना मुझे सी आउट, ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे आप, ठीक है, ऐसे करके ए प्लस बी आप कर दीजिएगा, हो गया, आपने जो सी आउट कर दिया, आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न जीरो, आपका प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो हेडर फाइल लगाए, आप जो है इंट मैन लिया आपने, उसके बाद आपने जो है एक क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, इसको डेटा मेम्बर कहते हैं। आप जो है सी आउट कर दिए, आपने जो क्या क्या सी आउट किया कि इंट टू नंबर, आपने जो है दो नंबर यूज ले लिए, अब उसको जो है इंट कर लिए। अब सी आउट में क्या होता है, एडिशन इज इक्वल टू, आपने ए प्लस बी कर दिया, आपको जो एडिशन इज इक्वल टू दोनों को जो है जोड़कर आपको दिखा देगा, आपने रिटर्न जीरो कर दिया। तो इधर से हो गया, तो आपका क्या हो गया, देखिए जब आपका आउटपुट क्या आएंगे, इसका आउटपुट आएंगे आपका इंटर टू नंबर, है ना, इंटर टू नंबर। अब एक नंबर में जो है आपने जो है फाइव डाला, अब बी में आपने जो है सिक्स डाला, सपोज हम मान रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो आएंगे लिखा हुआ है एडिशन इज इक्वल टू, है ना, एडिशन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11। ये तो आपने जो है सी प्लस के जब नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो, है ना, उसके थ्रू आप ये करते हो, ऐसा आप करते हो, है ना। अब जो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसी को, इसी प्रोग्राम को, यानी एडिशन ऑफ टू नंबर को, देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल, सेम हेडर फाइल, तो जो है सेम हेडर फाइल पहले लगा लेते हैं, हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। ओके, क्योंकि जब टर्बो सी में यूज करेंगे तब हम जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, टर्बो सी जब आईडी यूज करेंगे तब, टर्बो सी जब आईडीई जब यूज करेंगे तब आपको जो है डॉट एच लगाना है। ओके, हैस इंक्लूड, उसके बाद है हमारा कॉर्नियो डॉट एच, कॉर्नियो डॉट एच ये आपने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, क्लास, क्योंकि आप जो है यहाँ पे क्लास से बनाने जा रहे हो, तो क्लास आप किस चीज़ का आप क्या करने जा रहे हो, प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, तो एडिशन ऑफ टू नंबर, तो देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर तो लिखिए एडिशन, है ना, आपने लिख दिया एडिशन, अपने क्लास का नाम दे दिया, कर्ली ब्रेसेस। देखिए यहाँ पर इंट में था, अभी हम लोग इंट में नहीं लगाते हैं, इसमें बाद में लगाते हैं, ये पूरा प्रोसीजर होगा, बट अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार, तो उसका पता चल जाएगा आपको। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्राइवेट, प्राइवेट इंट ए एंड बी। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ पर प्राइवेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर प्राइवेट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपने जो है प्राइवेट लिखा तब पर भी प्राइवेट होगा, अगर प्राइवेट अगर आपने नहीं भी लिखा तो ये भी प्राइवेट होगा। यानी प्राइवेट से ये होगा कि कोई भी जो है अगला जो डेटा फंक्शन होगा इसको जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा, अगर आपने जो है मतलब कोई भी अलग से जो अगर आपने डेटा फंक्शन बनाया है, सॉरी मेमोरी फंक्शन मैंने बनाया है, वो एक्सेस नहीं कर सकता इसे। ओके, अब देखिए पब्लिक बनाता हूँ, ये सब जो है एक्सेस स्पेसिफायर आपका है, मैं इसके ऊपर भी जो है अच्छे से बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जो इसका जरूरत इतना ही समझिए कि प्राइवेट को जो है आप जल्दी जो एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक को जो है आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। वॉइड गेट डेटा, ओके, अब उसके बाद क्या लिख लीजिए, वॉइड
और डेटा आपने जो है यहाँ पर क्या बना दिया, देखिए ये ऐप का जो है वह क्या है, ये आपका जो बना दिया आपने ये, ठीक है इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। ये दोनों आपने बनाया मेमर फंक्शन, आप यहाँ पर क्या बनते हो क्लास को बंद करते हो, और क्लास को जब भी हम बंद करेंगे तो जो हमारा सेमी कोलन होगा उससे बंद करेंगे। आपने क्या किया क्लास के अंदर जो है मेमर फंक्शन को और क्लास सॉरी यह जो आपका डेटा मेंबर को आपने जो है इन किया है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेंबर फंक्शन है अब मैं इसको डेफिनेशन के साथ करूँगा, मैं डिफाइन करूँगा आउटसाइड द क्लास। ये क्लास जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ही है, देखिए यहाँ आपका जो क्लास यहाँ से यहाँ तक ही है, क्योंकि आपको सेमी कॉलन के साथ अगर बंद करते हैं तो आपका क्लास यहाँ तक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है मुझे, अब मैं इसको जो है कॉल करूँगा void, void अब जो है जो आपका जो है नाम होता है क्लास का नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है एडिशन, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिटी स्कोप लगता है ना, यूनिटी रिजेक्शन स्कोप, और उसके बाद गेट डेटा। यहाँ पर मैं डेफिनेशन डाल रहा हूँ, मैं सब बताता हूँ एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। डेटा अपने डाल दिया, ओके यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या सी आउट करेंगे, यानी यही आपका जो है देखिए आपका जो है यही चीज़ आएगा है ना, यही चीज़ आपका आएगा, देखिए सी आउट इंटर। तो आपको मैं दोनों कंपेरिजन करके बता रहा हूँ कि आखिर जो नॉर्मल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, लेकिन जब उसी को जो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो एडिशन ऑफ टू नंबर कैसे लिखते हैं। हाँ इंटर टू नंबर, आप जो है इंटर कीजिए दो नंबर को, ओके आपने किया, आप इसको जो है सी इन कर लीजिए, यानी उसको जो है आप रिसीव कर लीजिए उसको, तो ए बी आपने लिख दिया, आप इसको बंद कर दो। अब जो है पुट डेटा को कॉल करो आप, void put data है ना, void put data। एक और बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जो है put एक साथ लिखेंगे और डेटा अलग लिखेंगे, नहीं put data जो है आपको एक साथ ही आएगा, ओके देखिए void यहाँ पर फिर addition लिखेंगे, ठीक है कि क्लास का नाम यहाँ पर आता है addition, यूनिटी स्कोप लगा दिया आपने, और यहाँ पर लिखेंगे put data आपने ये जो है लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हमको जो है ऐड करना, एडिशन करना है, तो मैं करूँगा क्या सी आउट, आपने जो है सी आउट कर लिया, अब क्या करना है एडिशन, देखिए अब जब एडिशन आप लिखोगे तो ये आपको जो एज इट इज प्रिंट होके आपके जो है स्क्रीन पर आएंगे, आप कर दो ए प्लस बी हो गया। अब ये जब से उसको बंद कर दीजिए, आपने जब बंद कर दिया अब आपको जो है आपने जितना भी लिखा ना आप आपको जो सबको जो है कॉल करना पड़ेगा है ना। आपने जो है यहाँ पर जो मेंबर फंक्शन लिया है और मेंबर फंक्शन का जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन डाला है, ठीक है आपने जो है void आपने जो है गेट डेटा का यहाँ पर जो है गेट डेटा का आपने जो है यहाँ पर डाला, फिर उसके बाद पुट डेटा का यहाँ पर जो है आपने डाला। अब देखिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो है मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो देखिए इसी का जो है कंटिन्यू हम ऊपर कर रहे हैं ना, तो लिखिए एंड मेन आपने जो है कॉल करना है, और उसके बाद क्या है पहले हमें उससे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो हमें जो है मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनती हैं। मैं एक जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडिशन नाम का ही जो है एक बना लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट बनती है ना उसको क्लास के नेम के साथ बनती हैं, तो एडिशन डबल ए का जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है ना, डबल ए जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया डबल ए का नेम का, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू ही जो है मैं इसको कॉल कर सकता हूँ और इसको कॉल कर सकता हूँ, वरना जो है मैं ऐसे कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं डबल ए डॉट गेट डेटा है ना, गेट डेटा, अब मैं इसका जो है पूरा समझाऊँगा, रुक जाइएगा, ये हो गया आपका। अब उसके बाद फिर मैं इसको पुट डेटा को भी कॉल करूँगा, डबल ए डॉट पुट डेटा है ना, डबल ए पुट डेटा, यह कॉल हो गया। आप यहाँ पर लगा दीजिए गेट सी एच, गेट सी एच और रिटर्न कर दीजिए रिटर्न जीरो, आपका जो प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोनों ऑपरेटर मैंने जो है दोनों बताया, ठीक है, आपने एक जो है नॉर्मल प्रोग्राम बनाया और एक आपने जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाया, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जो आपने जो इंट में लिखा है वो मैंने जो है इंट में यहाँ पर आएंगी, इससे देखिए आपने क्या किया, ये देखिए सी आउट यहाँ पर देखिए, दोनों में देखिए आपने जो वर्ड गेट डेटा जो आपने लिखा है, ठीक है आप उसके अंदर डेफिनेशन डालते हो, ठीक है पुट डेटा के साथ आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना ये जो आपको दिख रही हैं ये आपको जो है void get data में आती हैं है ना, void get data में आ जाएंगे। देखिए आप अब मैं इस क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जब रिलेट कर पाओ चीज़ों को, जब रिलेट करोगे आप
कंपेरिजन से पढ़ते हो ना तो आपको समझ में ज़्यादा आती है, ठीक है। ये जो आपका ये तो आपका जो है ऑपरेशन वाली बातें हो गई, मैथमेटिकल बातें हो गई, तो इसको जो आप डेटा में डाल दो, वॉइड वो डेटा में आपने जो है डाला इसको वो डेटा में। अब देखिए फंक्शन का नाम आप खुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, आपके आपके ऊपर मर्जी के ऊपर डिपेंड है। बट गेट डेटा का मतलब होता है डेटा को मतलब आप जो है लेना, आप पुट डेटा का मतलब दिखाना होता है, स्क्रीन पर जो है दिखाना होता है, इसलिए मैं जो यहाँ पे लिया ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो देखिए अब क्या होगा, हमने क्या किया, क्लास नाम का जो है एडिशन नाम का जो है क्लास बना लिया, इस क्लास का स्कोप यहाँ तक है। प्राइवेट हमने जो है प्राइवेट किया इंट ए बी वेरिएबल, मैंने ये जो है मना आपका जो वेरिएबल ले लिया मैंने। पब्लिक मैंने जो दो मैंने जो है मेम्बर फंक्शन बनाया, ओके। अब इस मेम्बर फंक्शन का डेफिनेशन देखिए, इस मेम्बर फंक्शन का फर्स्ट का जो मेम्बर फंक्शन है उसका मैंने डेफिनेशन यहाँ डाला। क्या डेफिनेशन में डाला कि void जो मेम जो क्लास का नेम होता है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है, उसके बाद यूनिट स्कोप लगाना पड़ता है, फिर हमारा है गेट डेटा लगा दिया मैंने। अब मैंने इसके अंदर लिखा क्या कि सी आउट आप जो है दिखाओ मुझे स्क्रीन पे कि इंटर टू नंबर। तो देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, आउटपुट जो आएगा लिखा हुआ आएगा यहाँ पे कि इंटर टू नंबर आ गया, ठीक है, ये दिखाना है हमको। उसके बाद क्या करें, उसको मैंने रिसीव कर लिया सी इन ए एन बी, मैंने जो है रिसीव कर लिया इसको ए जो जो बी यहाँ पर मैंने लिया है उसके यूजर से, ठीक है। void addition इज इक्वल टू पुट डेटा, ये भी मैंने कॉल यहाँ पर जो है डेफिनेशन डाल दिया इसका। अब मैंने कर दिया कि सी आउट एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब जो है ऐड कर दो। अब क्या होता है यहाँ से जो है कोई भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होता है तो हमारा इंट एंड मेन से होता है। जैसे इंट मेन में है, देखा कि क्लास किस किस के नाम का क्लास है, एडिशन नाम का, ठीक है। अब इसके पास चला जाएगा यहाँ से, देखिए जैसे देखा ये चल गया यहाँ पे, अब यहाँ पहुँचा कि हाँ क्लास नाम का एक एडिशन नाम का एक क्लास है, ठीक है, आ गया। ये मेरा क्या है, मैंने ये क्या बनाया, मैंने डबल ए से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या बनाया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने जो एडिशन नाम के साथ क्या बनाया है, एडिशन नाम का क्या बनाया मैंने ऑब्जेक्ट। अब जो है ये ऑब्जेक्ट चल गया यहाँ पे, मैंने एडिशन नाम का यहाँ पहुँच गया। अब बोलता है कि डबल ए गेट डेटा, आप जो है ये जो लिखा हुआ है void गेट डेटा ना, आपको इसको गेट डेटा को एक्सेस तब कर सकते हैं जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे। और जब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के जरिए ही आपने जो है इसको कॉल किया है, तो ये यहाँ से उठेगा और यहाँ पर चला जाएगा, कहेगा कि यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा बोलेगा कि void get data। अब जो है void get data जो है इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि अभी तो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जो यहाँ से कहीं और चले जाओ जहाँ पर मेरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो बोला कि ठीक है भाई, यहाँ से कहा कि एकदम दौड़ते हुए यहाँ से दौड़ते हुए चला, दौड़ते यहाँ पर पहुँचा। फिर यहाँ पहुँचा, इन्हें void get data ने बोला कि नहीं 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 मेरे पास कोई डेफिनेशन फिर नहीं, अभी फिलहाल मैं कहीं और दे दिया हूँ, यानी क्लास का जो है क्लास का आउटसाइड डेफिनेशन मैंने दे दिया है। यहाँ से फिर दौड़ते यहाँ पर आया। अब देखता है क्या यहाँ पर है ना, ताकि हाँ सब सही है, आपने जो है क्लास के नाम के साथ है ना, ताकि हाँ, और उसके बाद रिनोलिस को लगाया है, ओके, गेट डेटा को, ठीक है। अब बोलता है क्या कि सी आउट इंटर टू नंबर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंटर टू नंबर, है ना, इंटर टू नंबर लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाएगा आपका, इंटर टू नंबर आएगा। अब बोलेगा कि सी इन करो, यानी जो है अब सी इन करने के लिए बोलेगा, तो सी इन में क्या आ जाएगा, आपने जो है ए में डाला 1 और बी में डाला 2, ठीक है, आपको ये दिखाई नहीं देगा बट ये चीज़ें होती रहेंगी, इंटरनल बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ पर जो बंद हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जैसे ही पहुँचेगा बंद, अब कुछ नहीं होना। फिर यहाँ पर देखेगा कि इसका तो बस काम खत्म हो गया। अब बोलेगा यहाँ पे कि जो ना आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आप डेटा को कॉल करेगा, कहेगा कि ये दौड़ते हैं, ये भी आएगा दौड़ते यहाँ पे आएगा, है ना, दौड़ते यहाँ पर आएगा। अब बोलेगा कि तुम्हारा डेफिनेशन क्या है, तो बोला कि भैया मेरा तो डेफिनेशन यहाँ पर कुछ ये देखिए, ये आपका तो मेरा तो डेफिनेशन यहाँ पर है void addition put data के पास। तो बोलेगा ठीक है void है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, एडिशन नंबर क्लास है, हाँ जी मैच करेगा, एडिशन नंबर क्लास यहाँ पर है, यूनिट स्कोप ठीक है, put data हाँ जी हाँ भैया put data कहीं है हमारा, यानी हमारा ही है। अब बोलेगा क्या करना है, तो सी आउट करना है एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आपको जो लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे एडिशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आपका लिखा हुआ है 3, है ना, ये आपका जो है एक ड्राई रन करके आपने जैसे गेट सी एच लगाया, तो गेट सी एच स्क्रीन जो है देखिए यहाँ पर सेमी कलन छूट गया था, तो देखिए अब गेट सी एच जो आपका है, आप जब इसे आप गेट सी एच है तो आपको स्क्रीन को होल्ड रखेगा, और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए तो गेट सी एच लगाते हैं, रिटर्न कर दिए 0, तो आपको मुझे प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न हो गया। तो ये था आपका जो है पूरा का पूरा किस तरह से जो है आप चलता है, इंटरनल बातें मैंने आपको बता दिया ये होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है इंटरनल बातें हो गई। अब आप जो मैंने यहाँ पर दिखाया, आप जो दोनों को कंपेयर करके देखिए, सब रिलेटेड हैं, बट यहाँ पर है कि मैं जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और जब नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, सिंपल सी बात है, आपको मैंने दोनों तरह से बता दिए हैं।
ठीक है। तो ये था आपका जो है एडिशन ऑफ टू नंबर का आपका जो है प्रोग्राम। तो चलिए मैं इसको जो है अपने लैपटॉप पर ले चलता हूँ और वहाँ पर जो है इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, चलिए जो है आपको ले चलता हूँ लैपटॉप पे। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए हैश इंक्लूड लगाया, एड एडिशन जो है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका क्लास नाम का मैंने एडिशन नाम का मैंने जो है क्लास बना दिया, ओके। फिर प्राइवेट इंटे वॉइड गेट डेटा, आपको जो आपको जो मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर का जो प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पर जो है बता रखा, ठीक है। तो ये देखिए आपका वॉइड एडिशन गेट डेटा, ये जो है आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ जो है, ठीक है। देखिए जो आपको मैंने जो है प्रोग्राम बोर्ड पर बताए थे वो प्रोग्राम पूरा टोटल का टोटल प्रोग्राम जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए है ना, टोटल हूबहू प्रोग्राम है। अब देखिए इसको हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल सॉरी अल्ट आर उसको रन करते हैं ना। रन करने के बाद देखिए ये रन हो गया और हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एंटर टू नंबर है ना, क्या कह रहा है कि एंटर टू नंबर। हम जो हमें क्या करना है, हमें एंटर करना है टू नंबर को। चलिए हम जो दो नंबर को एंटर करते हैं, देखिए 34 एंटर किए, ओके। फिर जो हम 45 एंटर किए, कितना आता है 79 आता है, ओके। चलिए एक बार और जो है हम इसको जो है रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमें कह रहा है कि एंटर टू नंबर, ओके। एंटर नंबर 4 किए, उसके बाद 5 किए, ओके। तो ये था हमारा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।